हाँ जी, क्या बस अपडेट है? आज अभी कहाँ कहाँ निकले हैं? अभी तो वहाँ आगे तक जाते हैं ना, चलो, थोड़ा बर्फ खा के आते हैं आगे तो से। खाने का टाइम पे बर्फ नहीं खिलाओ ना, अभी खाने का टाइम हो पड़ा है। तो नाजरीन, अभी हम इधर आए, हम हमजा का एक इलाका है हिंदी, हम उधर आए हैं। तो हाइट पे है काफ़ी ऊपर। बाकी हम अपने व्यूवर्स का अगेन बहुत शुक्रगुजार हैं, और आप लोगों का ताउन का, आप लोग बहुत ज़बरदस्त और अच्छी तरह हमें हमारे साथ ताउन कर रहे हैं नाजरीन। टेला, टेला, छोटा सा ये टेला मिट्टी ही का टेला है, टेले के ऊपर चढ़ते हैं नाजरीन। तो यहाँ से थोड़ा सा जो है प्रॉपरली जो है ना, ये जगह नज़र आ जाएगी। ये आपकी भाभी और मैं दोनों आए हुए हैं जी। मुमताज़ साहब भी कुछ फरमाएं। वो हिंद का जो है ना, वो ये सारा इलाका है नाजरीन। ये नीचे मैदान है, गहरी गहराई है, ऊपर पहाड़ वहाँ है। फाइव स्टार होटल और बन रहा है ना? नहीं, ये इधर हिंद का जो है ना, यहाँ यहाँ पर होटल बन रहा है। हम थोड़ा आगे जाएंगे तो इसका जो है ना सही तरीके से नज़र आ जाएगा नाजरीन। तो ऊपर वो वाली जगह, ये इधर होटल बन रहा है नाजरीन। तो हम जाएंगे थोड़ा मज़ीद आगे तो हमें सही तरीके से नज़र आ जाएगा। ये मिट्टी का टेला है सामने जो पूरा नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे इस तरह के टेले हैं इस एरिया में नाजरीन। शो शो जी नाजरीन, तो आज वीकेंड था तो हम थोड़े घूमने आए थे। यहाँ हिंद में बहुत सुबह बहुत ज़्यादा अच्छी खासी धूप निकली थी, लेकिन अभी मौसम, क्योंकि अभी सूरज भी तकरीबन ग्रुप होने को आई है, तो ठंड भी ठंड ज़्यादा बढ़ने लगी है। आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये मेरे चारों तरफ अभी भी बर्फ ही बर्फ वैसे की वैसे पड़ी है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है यहाँ पे। मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी। मेरे फ्रंट पे ही यहाँ पे रकपोशी है, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पहाड़ों में शुमार किया जाता है। रोफान कोक्स के मामू के पास गाड़ी में छोड़ के आई हूँ। तो अभी यहाँ मैं थोड़ा बर्फ खा लेती हूँ, यहाँ से बहुत ज़्यादा ठंड है फ्रेंड्स। ये मैंने थोड़ा बर्फ खा लेती हूँ। अभी खलील थोड़ा उधर साइड हो गई है तो वो मुझे डांटेगा, थोड़ा मैं खा लेती हूँ उसके आने तक। ओ, सर्दी में बर्फ खाने का मज़ा ही कुछ और है ना। थोड़ा बर्फ खा लो यार वहां से। तो नाज़रीन, आज हम आए हैं यहाँ पर, काफी हाइट है, ये भी एक ऊंची जगह है जहाँ पर हम आए हैं नाज़रीन आज। यार यो सर्दी, और यहाँ पर इस टाइम हवा जो है नाज़रीन बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे काटने वाली हवा है, ठंडी यख। तो लेकिन हमने सोचा कि जो है ना एक बेहतर जगह पे जो है ना हम आ जाते हैं। तो लोकेशन अच्छा है वो नज़र ना, आपको अगर नज़र आता है तो ऊपर वो सामने जो है ना वो होटल बन रहा है उधर हिंदी का, वो मिट्टी का ये सारा टेला है पूरा जो नज़र आ रहा है नज़रीन, इसके ऊपर जो है होटल बन गया है। तो ये वाला जो है ना ये जगह है नाजरीन। तो बाकी आप ऊपर पहाड़ देख लें, सारा इस टाइम जो है बर्फबारी के लिए इस टाइम जो है ना मूड बनाया हुआ है मौसम ने, मौसम का मूड बना हुआ बर्फबारी के लिए। तो अभी मैं और आपकी भाभी इधर आए हुए हैं इस टाइम में, माइक आपकी भाभी के हाथ में है। तो सर्दी की वजह से मेरा मूड फ्रीज हो गया है। आज जो है ना उधर गाड़ी में बैठा हुआ है समीर साहब, तो नाजरीन हम इधर आए थे, बड़ी खुली जगह है, आप देख सकते हैं चारों तरफ सराउंडिंग में आपको कैमरामैन दिखाएगा। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है नाजरीन। तो हाइट है और नीचे आप देख सकते हैं कि सारी आबादी है,
और ये जहाँ इस एरिया में हम आए हैं पीसफुल एरिया है, और यहाँ पर हम इंशाल्लाह आ जाएंगे, कोई बारबेक्यू का सारा सिस्टम लेके आ जाएंगे और आग साग साथ अपना बंदोबस्त करके कर दो, थोड़ा सा मौसम भी बेहतर हो। ठीक है मुमताज़? ठीक है जी। नाजरीन अभी अली उल्ट थे जी। नाजरीन ये है कि अभी कॉल किया है समीर साहब ने कि रोफान तंग कर रहा है, रो रहा है, तो इसलिए हम वापस मुड़े हैं, वरना ये सारा एरिया जो है जितनी भी नज़र आ रही है आपको, ये सारा एरिया हमने आपको कवर करके लेके आना था। ये नहीं तुम नहीं खाओ यार, ये देखो नाजरीन वो बदले ले रही है मेरा मेरे पर बदले ले रही है मैडम, आप बर्फ़ नहीं उठाओ, ठीक है वो सही नहीं होता। ये नाजरीन इस तरह से हिंदी का बहुत ही काफ़ी बड़ा इलाका है नाजरीन, एक्चुअली सर्दी ज़्यादा है नाजरीन, इसीलिए हम इसको ऑलमोस्ट हम जो है ना इसको वाइंड अप कर रहे हैं, क्योंकि ये आगे से हमें कॉल किया समीर ने कि उठा है रुफान। तो जी मुमताज़ मज़ा आ गया ठंड में बहुत ज़्यादा गाड़ी गाड़ी में हीटर ऑन था और बाहर निकल के जो है ना हमारे लिए एसी ऑन हो गया, वो भी कुदरती नेचुरल एसी, तो इसलिए लग पता चल गया हमें नाजरीन, तो पता चल गया। अभी हम जो है ना तकरीबन गाड़ी के हम करीब पहुंच गए नाजरीन जी। नाजरीन मुमताज़ जो है मुमताज़ के अंदर ममता जाग गई है, क्योंकि वहाँ से कॉल किया था उसने समीर ने कि रफान रो रहा है, कह के वो सामने गाड़ी खड़ी है, तो उसमें अभी मुमताज़ इंटर हो जाएगी नाजरीन। तो काफ़ी ऊंचे टेले हैं इधर मिट्टी के, हिंदी में मैडम इंटर हो गई, अंदर इंटर हो गई जी। नाजरीन गाड़ी तो पहुंच गया हूँ मैं भी, बस अभी गाड़ी में हम बैठते हैं पापा। जी जी आप देख सकते हैं नाजरीन पापा इस टाइम नाराज है कि मुझे जान हम आगे जी। समीर रो रहा था, समीर अंदर गाड़ी में लटा के समीर बाहर निकला है आवाज़ देने के। चलो ओके नाजरीन।